सो सत श्री अकाल सारे नूं तुहाडे सब दा मेरे चैनल ते स्वागत है। सो अज दा वीडियो तो ही टाइटल वेख के पता लग ही गया होना कि अज दा वीडियो किहदे उत्ते होण वाला है कि अपने जिहड़े किसान वीर ने दिल्ली क्यों बैठे ने एंड उन्हां दी मेन प्रॉब्लम की है। तो अज दी वीडियो च मैं मतलब तुहाडे नाल शेयर करन जाण लगा वां कि जिहड़ा आपां लास्ट टाइम धान लाया एंड इस साल जिहड़ा धान लाया है और तुहानू किन्ना प्रॉफिट होंदा है एंड सरकार नूं ओह क्यों वधाउणा चाहीदा है। ठीक है, सो आ सारे बारे आपां अज गल करांगे। तो मैं तुहानू सीधा लैके जाना वा वह पेज के उत्ते जिहदे उत्ते मैं सारा खर्चा एंड सब कुछ मतलब जोड़िया। बट और तो बिना अगर तुम मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दो, क्योंकि हूँ तो आप दिल्ली के मुद्दे पर भी वीडियोज़ बनाना चालू करांगे एंड लोगों को और ज़्यादा जागरूक करांगे। ठीक है, सो सबसक्राइब करो एंड कमेंट सैक्शन में दस दो मैं और किस तरीके की वीडियोज़ बनाया चाहिए सो दैट लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड होन एंड किसान की गल सुनी जाए। ठीक है, सो सबसक्राइब करो एंड अगर तुम्हें वीडियो वधिया लगती वीडियो में लाइक भी कर सकते हो। सो आप चलते हैं सीधा वीडियो के टाइटल के उत्ते। तो आप सब तो पहला गल करते हैं कि अपने जिहड़े किसान वीर ने दिल्ली च क्यों मतलब बैठे ने एंड उन्हां दी मेन प्रॉब्लम की है। तो ये अज मैं सब तुहानू क्लीयर कर दवा कि किन्ना किसान नू एक किले दे विच प्रॉफिट होंदा एंड किन्ना उन्हां नू होना चाहिए एक्चुअली एंड सरकार नू की करना चाहिए। ठीक है, सब तो पहला आप धान का खर्चा जोड़ लें एक एकड़ का कि सानू किन्ना खर्चा होंदा टोटल छे महीनों का अगर आप एक एकड़ च धान लाने। ठीक है, सब तो पहला खेत की तैयारी मतलब जदों ट्रैक्टर का रेंट होंदा जदों अपनी जिहड़ी कणक आ वह हार्वेस्ट कर दी जाती है और तो बाद पराली नूं हटाउणा क्योंकि अजकल साड़ना भी मना करता है उहदे चल मैं खिलाफ नहीं गा क्योंकि पोल्यूशन वधन दिया अं समझ सकते बट ओदी खेत की तैयारी करना उन्हों चार तो पांच बारी पहला ही वाया जाता उन्होंने तैयार किया जाता कंधार किया जाता। सो आप सब ट्रैक्टर का खर्चा अगर कि कोई कोई अपने किसान वीर को खुद का ट्रैक्टर भी नहीं है सो ट्रैक्टर किराए पर लैके आते हैं वह सब का तेल वगैरह का खर्चा पा के आप 3000 ऐड कर लें। ठीक है, सो सैकेंड नंबर पर अपनी जी खर्चा होंगे वह होंगे रुपाई का मतलब जी लेबर वर्क होंगे जोड़ा धान लाता है साढ़े इधर इस टाइम 3500 तक रेट चलन दिया बट मैं एवरेज 3000 लाया। सो एक किले का 3000 जोड़ा रुपाई लगती है। ठीक है, 3000 वो हो गया। सो सैकेंड खेत में लेबर जिहड़ी अपनी दिहाड़ी मेन होंदी है वट्टा वगैरह बनाउणी है एंड जो ट्रैक्टर के नाल वट्टा वगैरह लिंबन की वो एक दिहाड़ी लगती है मजदूर की 350 इतने रेट चलन दिया सो 350 वह रेट हो गया। सो नैक्सट होंगे अपना ट्यूबवैल मतलब इलैक्ट्रिसिटी बिल जो आप लाना होंगे अगले 6 महीने तुम्हें पानी लगना है वो इलैक्ट्रिसिटी बिल 8000 कई कई जगह पर बहुत ज़्यादा हाई है कितने 10000-15000 भी हो सकता है महीने का बट मैं तो एवरेज लाया 8000 क्योंकि हाडा एवरेज 8000 ही होंगे। ठीक है, सो नैक्सट होंगे इतने खाद ग्रास प्लगिंग जो अपना घा हो जाता है घा हो जाता है धान के आप बाहर क्ढन वास्ते उन्होंने भी आप लेबर ला के उन्होंने बाहर कटते हैं सो वह खर्चा 1000 ला लो एंड जी खाद वगैरह आप पानी होंगी 1500 अलग तो ला लो जो टोटल घा क्ढन का एंड खाद का खर्चा ला लो 2500। ठीक है, सो और तो बाद अन्य दवाइया जी स्प्रे वगैरह होंगी है कोई बीमारी लग जाती है वह पूरा खर्चा ला लो तो 2000। ठीक है, और तो बाद हार्वेस्टिंग कंपैन आती है ट्राली आती है कई किसान वीर को ट्राली नहीं हैगी ट्रैक्टर नहीं हैगा सो रेंट आप सब कुछ रेंट में लाने। ठीक है, अगर कोई किसान किसी की पहली रेंट लैके वाह तो उन्होंने किन्ना होंगे आप आ लैके चलन दे सो कंबाइन ट्राली ट्रैक्टर रेंट इन सब का हार्वेस्टिंग करने वेले का आप 2500 ला लें एवरेज आ बट है बहुत ज़्यादा इस टाइम शायद तेल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो 3000-4000 हो सकता बट मैं तो एवरेज 2500 ला लिया। और तो बाद जमीन का रेंट ठेका मतलब 40000 एक साल का रेंट चलन दिया उन्होंने 6 महीनों मतलब 20000 एक 6 महीने का तुम रेंट ला लो कितने कितने 50000 या कितने 55000 भी है। ठीक है, बट साढ़े इधर एवरेज 30-25 एवें चलन दिया सो मैं एवरेज तो 40000 ला लिया क्योंकि पंजाब के वाल 55-55000 भी हैगा रेंट। सो इतने 6 महीने का रेंट आ गया 20000। सो अगर इतने आप टोटल 6 महीने का खर्चा वेखिए तो इतने आंदा है 41350। ठीक है, तो आ अपना हो गया टोटल खर्चा। इस तो बाद अपनी एक किले 27 क्विंटल आप एवरेज ला लिया कितने 30 क्विंटल भी निकलती 35 क्विंटल भी निकलती बट कितने कितने 20 क्विंटल भी निकलती है जिते कोई बीमारी हो जाए कितने कुछ हो जाए। सो आप एवरेज से 27 ला लिया मतलब ऑलमोस्ट 30। सो इतने इस टाइम MSP है 1975
बट कोई कोई अपना किसान वीर की करता है 1500 ही वेच देता है 1600 च ही वेच देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मजबूरी होंगी है, कई वेले वो नहीं लैके जा पाँगा उत्थे कंडे से तीन तीन चार चार दिन नहीं उत्थे मतलब खड़ी कर सकता ट्राली। सो वो कई बार जिहड़े विच व्यापारी होंगे उन्होंने 1500 14 सौ च भी वेच सकते हैं। सो उत्थे तुसीं रेट देख सकते हो किन्ना ज़्यादा थले जा सकता है रेट। ठीक है, सो अगर 1975 अगर आप चलो कंडे दे ही लैके चलते अगर आप सरकारी रेट पर वेचते हैं 27 क्विंटल धान तो वह अपना जाता है 53,325। तुसीं सब इत्थे वेख सकते हो, सब इत्थे कढ़िया होया है ऑलरेडी। ठीक है, तो उत्थे कुछ टैक्सिस वगैरह लगते हैं जेडे उत्थे धान थले लाते कंडे दे विच एंड कुछ उहदा होर भी टैक्सिस वगैरह कट्टे जाते तुहानू बहुत आसानी नाल पता ही होगा। सो कट कुट के सब आउंदा है अपना 52,925। ठीक है, तो ऑलसो बहुत जाने नू रेट भी नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने एवरेज किन्ना मिलता है किसी नू 1500 किसी नू 1400। सो इत्थे आपां ला लिया हारवेस्टिंग मतलब कि अपनी नैट इन मतलब टोटल जिहड़ा अपना हारवेस्ट होया वह होया 52,925 दा। तो जिहड़े अपने एक्सपेंसिज आ जिहड़े तुसीं इत्थे वेख सकदे हो जिहड़े अपने टोटल खर्च होए आ वह होए आ अपने 41,350। तो अगर आप इतने एक्सपेंसिस माइनस कर दिए तो तुम वेख सकते हो तो अपना नैट प्रॉफिट किन्ना आंदा है 11,575 रुपए। की गल बहुत ज़्यादा है, रुको मैं तुहानू होर भी डिटेल में लैके जाना वा। अगर 11,575 नू आपां 6 ना डिवाइड करिए, 6 ना डिवाइड क्यों करना है क्योंकि अपनी फसल 6 महीने की होंगी है। तो अगर आप 1 महीने की तो फसल कढ़ीए कि आप 1 महीने च किन्ना कमाउंदे आ तो आपना जानते 1,930 रुपए एपरोक्स। मतलब आप सिर्फ अगर 1 किले च आप धान लाने तो आपां नू सिर्फ बचन दे 1,930 रुपए 1,930 रुपए 1 महीने की इनकम। ठीक है, बट 1,930 रुपए की गल एक फैमिली नू चलाउण लई बहुत ज़्यादा होंदे आ। इत्थे सरकार नू की चाहिए जिन्ना इत्थे खर्चा होंदे आ मतलब 41,350 खर्चा होंदे आ कम से कम जिन्ना खर्चा और तो दोगुनी उहदी इनकम किसान वीर दी होनी चाहिए। मतलब इत्थे अप टू जिथे अपना नैट हारवेस्टिंग नैट हारवेस्टिंग आउंदी है 52,925 इत्थे कम से कम भी इत्थे 80,000 to 90,000 इत्थे प्रॉफिट अपना हारवेस्टिंग होनी चाहिए। कैवें हो गया अगर आ रेट ज़्यादा होगा, आ रेट कौन ज़्यादा करेगा अपनी सरकार। सरकार क्यों अपने महंगे वेचती है धान, धान जदों वो चौल च फैक्ट्री वगैरह बन जाते उन्होंने क्यों 50-50, 60-60 रुपए किलो वेचा जाता है एंड इतने सूँ 19 रुपए भी नहीं चाजना नहीं मिलन दे अपन उत्ते 19 रुपए एंड 75 पैसे मिलन दे। सो इन्नी अगर ना इंसाफी होगी तो किसान तो अपना मरूगा एंड जो अपने भरा कह दे कि क्यों धरने लाए हुए आ दिल्ली दे विच वह सरासर गलत गल आ। सो इतने मैं तुहानू अगर 1 महीने की इनकम अपनी 1930 होंदी है बट मैं इतने बहुत सारिया एवं चीज़ा जिड़े मैं खर्चे नहीं जोड़े। सो आ अगर आप सारे खर्चे जोड़ते हैं आ सब कुछ ये ही चले जाना है एंड किसान की इनकम है 0। आ सरकार नू मनना होगा एंड मनन तो बाद इन सरकार नू आ पैसे वधाने होंगे। सो मैं तुहानू दिखा दिना मैं केड़ियां-केड़ियां चीज़ा नहीं जोड़ियां। किसान जिहड़ा रात दिन जा जा के अपनी खेत दे विच मेहनत करता है, ट्यूबवैल चलाउंदा है, बार बार पानी वेखन जाना पैंदा है, वेखन जाना पैंदा है कि कोई बीमारी तो नहीं लागी, फिर उहदी स्प्रे लैन जानी पैंदी है। उहदा मैं कोई भी मतलब खर्चा नहीं जोड़िया, किसान की कोई भी इत्थे मतलब जिहड़ी दिहाड़ी हुंदी है मैं इत्थे नहीं जोड़ी। ठीक है, सो सैकेंड हुंदा खेत च जिहड़ी अपना आपां लेबर लाउंदे इत्थे जिहड़ी आपां लेबर लाई ही रुपाई वास्ते जिहड़ी खेत च लेबर लाई उहनां दा खाण पीण दा मैं कुछ भी नहीं जोड़िया। तो आप ही सोचो अगर खेत के 10 to 12 जने रुपाई लाने वास्ते आते हैं उन्होंने चाह पानी रोटी का कितना ज़्यादा खर्चा होगा। सो वो कितने आ पैसे वो भी अगर जोड़ा तो सब पूरे हो जाने ना। अगर ट्यूबवैल अगर अपनी कोई मोटर है वह अगर कोई स्टार्टर खराब हो जाता है या फिर सड़ जाती है मोटर, बहुत सारिया चीज़ा हो सकती, तार सड़ जाती है कई वेले जो आप मोटर लाने सो वह खर्चा कितने सीधा अगर तार सड़ती है 1,000-1,500 खर्चा जाता है, स्टार्टर 500-700, 1,000-1,500 इस तरीके खर्चा जाता है। सो 1,000-1,500, 2,000 एवं चले जाना है। सो उस तो बाद आती फसल मार, जो फसल मार आती उदू सरकार कितने जाती है, फसल मार हुई कोई पैसा नहीं, बाद चो आता ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिस। मैं इतने जिन्नी भी चीज़ा दसियाँ आप
बी सच इतने एक में चीज़ होर नहीं ऐड की, अगर तुम तो ऐड करोगे पूरी इनकम अपनी खलास हो जानी है। वो चीज़ है अपना बीज, जेडे आप इतने बी बीजने तो आंदा कितने गया बीज, बीज की इनकम 500-700 ला लो एक किले की, वह भी गई ठीक है। सो इतने नैक्सट होंगे फर्टिलाइजर दी जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन होंदी, आपां दुकान तों जाके फर्टिलाइजर लैके आई दे आ 4-5 टाइम, वह हर वेले का खर्चा ला लो तेल का, तुम 150-200 अगर तुम ट्रैक्टर से जा रहे हो फर्टिलाइजर लैने या कोई किराए पर कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, और 150-200 ला लो इंटू 5 वारी ठीक है, 5 वारी तो इनू खाद तो दवाई पैंती पैंती है, तो सीधा 700-1000 आ भी गया। और तो बाद जेडे घर अपनी माताएं काम करती है जी, उ भोजन लैके जाए रोटियां लैके जाए खाण पीन वास्ते, उन्होंने तो 0 इतने क्रैडिट मिलता, उन्होंने कोई भी क्रैडिट नहीं मिलता। और तो बाद अनवॉन्टेड टैक्स जेडे किसान के उत्ते ला दिते जाते हैं सरकार के द्वारा, जेडी पॉलिसीज ला दी जाने बैंक चो ऑटोमैटिकली पैसे कट्टे जाते हैं, वो सारे पैसे क्यों कट्टे जाते हैं, सो आई वेख सकते हो एक हिसाब नाल। मैं इतने उवें एक अंदाजे ने दसिया 1930 रुपये मतलब मोटा मोटा वेखी इतने बजट होंगी है, बट ये मैं की ऐड नहीं किया, जिहड़ा अपनी पोद आ वह भी मैं इर्च इनकलूड नहीं की, सो इन चीज़ा मैं इर्च इनकलूड नहीं की, सो ऑलमोस्ट ही वेख सकते इतों किसान की इनकम 0 आ। सो किसान की खाऊगा, सरकार चाहती किसान ज़्यादा तो ज़्यादा बन, सो सरकार चाहती वो एक्सपोर्ट करे इतों का अनाज, कोई भी चीज़ इंपोर्ट ना करनी पवे, बट किसानों की प्रॉफिट भी तो होना चाहिए कम से कम, इतने किसान आ वाले सारे खर्चे कढ के भी उन्होंने 6 महीने का कम से कम भी 12,000 इतने प्रॉफिट बचना चाहिए, अगर महीने का तो 2,000 भी ला लो इतने पैसे बचने वाले आ, सबनों समान कढ़ के इतने 12,000 बचने चाहिए आ। सो बहुत सारे लोग ने जेडे MSP एंड चीज़ों में लड़ी जाने MSP वधिया, कोई कहने MSP नहीं वधिया, सब चीज़ा जान पार्ट, मैनू बस एक आ चीज़ चाहिए, जैसे एक फैक्ट्री वाले नू हर एक किलो पिछे मतलब किलो चौल के पिछे 20-30 रुपये बचते, उवें एक किसान हर एक किलो के पिछे 20-30 रुपये बचने चाहिए आ, सारी जिन्हें भी एक्सपेंसिज है सब कट के, तो तुम वेख सकते हो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के नाल समझाया एक हिसाब ने किसान की 0 इनकम होती है। तो जोड़े जोड़े मेरे वीर भरा वीडियोज़ देख रहे हैं और जरूर आ वीडियो शेयर करो, वो तो वह शेयर करो, सो डैटा गवर्नमेंट तक पहुँच सके एंड किसान वीर की इनकम डबल टू ट्रिपल हो। इस टाइम उन्होंने 0 इनकम आ, मैं सब एग्जाम्पल के नाल समझा चुकिया वा। सो किसान एकता जिंदाबाद।